असलम मे आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक जिनेटिक्स पीडियाट्रिक्स इसमें से एक यू क्यू आया हुआ है रिपीटेडली ए ही बल्कि आया हुआ है टर्नर सिंड्रोम का और ओवरऑल इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो टर्नर सिंड्रोम है और डाउन सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम फर्स्ट प्रियोरिटी है और सेकेंड प्रियोरिटी डाउन सिंड्रोम है और फिर थर्ड प्रियोरिटी में बाकी जो शॉर्ट टॉपिक्स आ जाते हैं जिसमें लाइन फिल्टर सिंड्रोम है फिर जैलग सिड्रोम है सो वी विल डिस्कस अबाउट द टर्नर सिंड्रोम फर्स्ट एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट्स यू क्यू सो टर्नर सिंड्रोम में अगर हम बात करें तो इसको हम उसमें भी पढ़ चुके हैं हम गायनी में भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स में अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो टर्नर सिंड्रोम के बारे में तो इसमें कौन से क्रोमोज़ोम एबसेंट होता है फीमेल्स के अंदर होता है ये क्या होता है फ़ीमेल्स में नॉर्मल क्या होता है क्रोमोसोम एक्स एक्स ठीक है लेकिन अगर उसकी जगह पे क्या हो एक्स एक एक्स ना हो तो उसको कहेंगे टर्नर सिंड्रोम लाइक दिस इज़ वन एक्स मोनोसोमी होगी और एक ज़ीरो होगा मतलब सेकेंड एक्स इज़ नॉट देयर सो दिस इज़ टर्नर सिंड्रोम एक्स ज़ीरो ठीक है ओके <coughs> okay, उसके बाद देखते हैं कि इसमें होगा क्या टर्नर सिंड्रोम इज अ कंडीशन करेक्टराइज बाई कम्प्लीट और पार्शल मोनोसोमी ऑफ द एक्स क्रोमोजोम ये आपको केरियो टाइपिंग नज़र आ रही है इसमें देखें ये वाला जो क्रोमोजोम है सेक्स क्रोमोजोम एक्स वाला आपको अकेला पड़ा हुआ है उसके साथ कोई और दूसरा है ही नहीं है सो दिस इज अ केरियो टाइपिंग शोइंग द टर्नर सिंड्रोम विद वन एक्स क्रोमोजोम नो वाई क्रोमोजोम और नो डबल एक्स ठीक है सो so, अभी से होता ही है कि फ़ोर्टी फाइव एक्स ज़ीरो होता है फोर्टी फाइव क्रोमोजोम्स होते हैं कुछ में हाफ़ में फ़ोर्टी फाइव एक्स जीरो होता है हाफ में वो हमें मिल सकती है स्पोडिक केसेस होते हैं और मटर्नल uh, एज जो है वो ये नहीं है कि दर, मदर like syndrome, कि मदर ओल्ड होगी लाइक डाउन सिंड्रोम के जितनी ज़्यादा एज ऑफ मदर होगी तो रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम बढ़ जाता है लेकिन यहाँ पर मदर की एज जो है वो ओल्डर नहीं होती इट इज़ जनरली स्पोरेडिक कि बच्चे के अंदर जो है वो होगा और ऐसे ही सोचा जाता है कि पटर्नल क्रोमोसोम मिसिंग था जिसकी वजह से ऐसे हुआ लाइक like, जो एक्स जो होता है वो मदर ने देना होता है और पाए जो होता है वो फादर ने देना होता है तो देखें फीमेल के पास एक्स आ गया मींस दैट मदर ने एक्स अपना दे दिया है लेकिन फादर ने नहीं, नहीं दिया मतलब पैटर्नल क्रोमोसोम फादर का क्रोमोसोम मिसिंग होता है इसमें और जो मदर होती है अब क्योंकि उसने एक्स दे दिया है तो इसका मतलब मदर का इसमें कोई कसूर नहीं है उसकी एज ज़्यादा हो कम हो उसके ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है समझ आई तो ये चीज़ होती है उसके बाद इसकी फाइंडिंग्स आती हैं इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि क्लिनिकल फाइंडिंग्स तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या होता है कि जो बच्चा होगा बच्ची होगी वो क्या होगी स्मॉल स्ट्रेचर्ड होगी ठीक है सबसे पहली उसका छोटा होगा आगे हम पढ़ेंगे लाइन फिल्टर सुन रो वो लंबे लंबे होंगे उनके बाजू हाथ लंबे लंबे होंगे लेकिन यहाँ पे क्या है स्मॉल स्ट्रेचर्ड फीमेल है स्मॉल स्ट्रेचर्ड फीमेल तो शॉर्ट स्ट्रेचर की बात क्या चीज़ है नेक्स्ट के uh, कंजेनेटल लिफडीमा होगा, ठीक है शॉर्ट स्ट्रेचर कंजेनेटल लिंफडीमा जिसमें क्या होता है रेजिडुअल पफीनेस होती है ओवर द डॉर्सम ऑफ द फिंगर्स एंड टोज ठीक है कि जो फिंगर्स एंड टोज होते हैं उनकी डोरसम के ऊपर क्या होता है पफीनेस होती है कंजेनेटल लिंफडीमा देन इज हॉर्स श्रू किडनीज होती हैं और दूसरे रीनल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं देन इज़ पटेला डिसलोकेशन पटेला डिसलोकेशन उसके बाद क्या है इंक्रीज कैरिंग एंगल ऑफ एल्बो क्यूबिटस वेल्गस फिर कॉन्जैनिटल हिप डिसलोकेशन एक पटेला होती है डिसलोकेट और दूसरी होती है हिप डिसलोकेशन ठीक <coughs> है उसके बाद क्या है अगर हम बात करें स्कोलियोसिस वाइट स्पेस्ड निप्पल्स शील टेस्ट चेस्ट डिटर्डेंट नकल स्किन देन लोअर पोस्टीरियर हेडलाइन कॉट्रेक्शन ऑफ एटा कॉट्रेक्शन ऑफ एटा इज वेरी मच इम्पोर्टेंट रिपीटेड एम सी की होता है कि टर्नर सिंड्रोम में कौन सा हार्ट डफेक्ट होता है तो कॉट्रेक्शन ऑफ एरोटा एंड बाइक स्पीड एओटेक वॉल्व ये दोनों होते हैं कंडक्शन एबनॉमिलिटीज़ होंगी हार्ट में और लेफ्ट हार्ट जो है वो हाइपोप्लास्टिक होगा एंड अदर लेफ्ट हार्ट एबनॉमिलिटीज़ तो ये आपने याद रखें कौन सी हार्ट डफेक्ट्स होते हैं टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट्स में कॉट्रैक्शन ऑफ़ एरोटा बाइक स्पीड एओटेक वॉल्व कार्डिक कंडक्शन अब्नॉमिलिटीज़ इन हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम एंड लेफ्ट हार्ट एबनॉमिलिटीज़ ठीक है उसके बाद क्या है गुनेडल डिसजेनेसिस होगी जिसकी वजह से फीमेल इनफर्टाइल होगी और प्राइमरी एमेनोरिया होगा के फ़ीमेल आएगी डॉक्टर के पास के अ, मेरी एज जो है फॉर एग्जांपल सिक्सटीन हो गई है एंड स्टिल मेंसेस जो है वो मैंस्रेशन जो है वो स्टार्ट नहीं हुई ठीक है उसके बाद क्या है लर्निंग डिसबिलिटीज़ होंगे फीमेल्स को फिर क्या होगा डेवलपमेंटल डिले होगा हाइपोथरडिज़म होगा टाइप टू डायबिटीज़ मेलाइट बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस इसके बाद क्या है के ग्रीन रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होगी इन द मेल्स ठीक है और टाइटस मीडिया है हेयरिंग लॉस है इन्फ्लेमेटरी बाउ डिजीज है ये सब कुछ ये इन्होंने पीडल एडिमा दिखाया हुआ टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट पे मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ ताकि तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिक्चर से आपको क्लियर हो जाए टर्नर सिंड्रोम की फ़ीमेल का ठीक है तो सो सबसे पहले ओवरऑल लुक देखनी है आपने कि ओवरऑल लुक क्या होगी शॉर्ट स्ट्रेचर होगा देन फेशियल फीचर्स में वो करेक्टरिस्टिक होंगे ये देखें नेक पे फोल्ड ऑफ स्किन आया होगा उसके बाद हेयर लाइन लो होगी लो हेयर लाइन देन अगर हम हार्ट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एयोटा कोट्रेक्शन ऑफ एरोटा शील्ड शेप थॉरक्स होगा वाइडली स्पेस निपल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका शॉर्ट स्ट्रेचर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है कोट्रैक्शन ऑफ योटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीमेल की तरह की बहुत बेस्ट डेवलपमेंट होगी मतलब अच्छी डेवलपमेंट नहीं होगी फिर इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एल्बो डिफॉर्मिटी होगी क्यूबिटस जो होता है हमारा क्यूबिटस वेलगस ठीक है शॉर्ट एंड मेटाकार्पल स्मॉल फिंगर नेल्स ड्यूरमेंट्री ओब्रिज इज ए मे इम्पॉर्टेंट गुनेडल स्ट्रीक होगी अंडर डिवलप्ड गुनाडल स्ट्रक्चर्स नो मैंस्ट्रेशन प्राइमरी एमिनोरिया तो बॉडी पे ब्राउन स्पॉट्स होंगे तो ये सब कुछ समझ आया स्मॉल स्ट्रेचर है इसके बाद क्या है गुनाडल डिस्टेनिस है जो आईक्यू होगा इनका एवरेज होगा जस्ट लाइक like आगे हम देखेंगे कि लाइंग से, फिल्टर सिंड्रोम में भी आई कम होता है ऐसे फीमेल्स का कॉनजेनेट लिफोडीमा मैंने आपको बता दिया ब्रॉड चेस्ट है वाइट स्पेस न्पल्स हैं लो पोस्टीरियर हेयरलाइन है वेब्ड पोस्टीरियर नेक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वेब्ड नेक ठीक है क्यूबिटस वेल्गस और शू किडनी कार्टेक में बाइक स्पेडेटेक वॉल्व क्वार्ट्रिक्शन ऑफ फ्योटा माइट्रल वोलैप्स हाइपर टेंशन प्राइमरी हाइपोटर्डिजम ये मैंने रिपीट कर दिया आपके लिए कि सारे कवर हो जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फिर इनकी नेचुरल हिस्ट्री क्या चलती है टर्नर सिंड्रोम की फ़ीमेल्स का इनकी खे इनकी जो हाइट वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज़ होती है ठीक है हाइट वेलोसिटी डिक्रीज होती है मतलब हाइट बहुत आहिस्ते आते इंक्रीज़ होती है और डिलेड बोन एज होती है फिर इसके लिए फिर हम क्या करते हैं फीमेल्स को ईस्ट्रोजन ट्रीटमेंट देते हैं जिसकी वजह से इनका जो हाइट जो इंक्रीज़ होती है ग्रोथ हार्मोन से वो थ्री टू फोर सेंटीमीटर बढ़ सकती है तो शॉर्ट स्ट्रेचर को हम ऐसे ट्रीट करते हैं ठीक है एक तो हमने फीमेल को फ़ीमेल बनाना होता है ना तो उसके लिए एस्ट्रोजन हार्मोनल थेरेपी देंगे और दूसरा फीमेल की हाइट को ज़्यादा करना जो कि उनका कंसर्नट इशू है तो उसके लिए हम ग्रोथ हार्मोन देते हैं so, इसका यू यूक्यू देख लें फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड गर्ल इज रेफर्ड फॉर एवेलुएशन ऑफ शॉर्ट स्ट्रेचर हर बाउल्ड है एंड शी हैज़ कॉन्स्टिपेशन ऑफ एंड ऑन शी इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल इन स्कूल मिनार्की हैज नॉट स्टार्टड सो एक तो शॉर्ट स्टेचर का मसला है पंद्रह साल की बच्ची है मिनार्की भी स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक फिर देखें वेट उसका थर्टी के जी है और हाइट वन थर्टी फाइव सेंटीमीटर नेक सेम शॉर्टर हेज़ इज़ हर लो हेयर लाइन पोस्टीरियरली ठीक है लो हेयर लाइन एंड शॉर्ट नेक वेब्ड नेक किस में होती है टर्नर सेंड्रोम सो थ्री अदर क्लिनिकल फाइंडिंग्स तो आप क्या फिर फाइंडिंग्स देखेंगे तीन लिख सकते हैं कोई भी चेस्ट की देख लें शील्ड शेप थॉरक्स वाइडली स्पेस निपल्स लिम्फडीमा हो सकता है कोट्रैक्शन ऑफ फ्योटा पोअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट क्यूबिटस वेल्गस किडनीज शू शेप्ड स्मॉल फिंगर नेल्स ठीक है तो ये चीज़ें हो जाती हैं इसकी टर्नर सिंड्रोम की फ़ीमेल की उसके बाद अदर वट इज़ आर क्लिनिकल डायग्नोजिस इट इज़ टर्नर सिंड्रोम देन दे वास्क यू द थ्री इन्वेस्टिगेशन यू विल कैरी आउट तो क्या आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं एक तो आपको वैसे ही पता है केरियो टाइपिंग टू कन्फर्म द डायग्नोसिस जिसमें आपको क्या मिलेगा फोटी फाइव एक्स क्रोमोसोम मिलेगा वि डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम और आप क्या करवाओगे इसमें हॉर्मोन्स करवा लो एल एच और एफ एस एच तो वो आपको क्या मिलेंगे एलिवेटेड ठीक है क्योंकि स्टूडेंट इन लोगों में नहीं होता ना तो एल एच एफ एस एच एलिवेट होते हैं उसके बाद आप इनका जो है थायरॉइड फंक्शन टेस्ट करवा लो तो उसमें आपको क्या मिलेगा हाइपोथैरटिज़म ठीक है इसी तरह अगर आप प्री नेटल टेस्ट करवाओ मतलब अभी बच्ची पैदा नहीं हुई और आप करवा रहे हो तो उसमें आप लिख सकते हो अल्ट्रासाउंड कर सकते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या एमनियोसेंटेसिस क्रॉनिक विलस सैम्पलिंग कर सकते हो सो दीज अदर इन्वेस्टिगेशन्स वैसे अभी तो जो फीमेल है अब तो ये बॉन होगी हुई है ना पंद्रह साल की अब तो आप प्री चीज़ें नहीं लिखोगे लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ जहाँ पे आप ये लिखोगे केरियो टाइपिंग हॉर्मोन लेवल एल एच एफ एस एच ले, एंड थारॉयड फंक्शन टेस्ट ठीक है बाकी अल्ट्रासाउंड करके आप उसका जो है ओवरी वगैरह को देख सकते हो कि किस तरह की है स्ट्रीट ओवरीज हैं या क्या है अब नेक्स्ट पार्ट से हम करते हैं डाउन सिंड्रोम